हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं CUET 2022 के फेज टू के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और डाउट होना वाजिब बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो NTA के द्वारा CUET के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, यहाँ पर NTA बिल्कुल भी फेल हो रही है। वो एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इतनी बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी है और बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि नीट JEE Main के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, लेकिन CUET के एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है जिस कारण से यहाँ पे उनका मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल इशू के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। देखिए, परेशानी यह है कि बच्चों का 4 तारीख का एग्ज़ाम जिनका था, 5 तारीख का, यहाँ तक कि आज का एग्ज़ाम जो 6 तारीख का फाइनली एग्ज़ाम था, वो भी कैंसिल हो चुका है। और ये सारे एग्ज़ाम्स कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण कैंसिल हो गए। किसी के एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम तक नहीं था कि आखिर उन्हें एग्ज़ाम कहाँ देना है। और मतलब मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट थे एक दो, जो कि गए थे काफ़ी दूर एग्जाम देने के लिए गए, लेकिन उनका एग्जाम दिए भी, लेकिन फाइनली सबमिशन के टाइम में टेक्निकल एरर हुआ और उनका पेपर सबमिट नहीं हुआ, जिस कारण से एग्जाम कैंसिल हो गया। तो आखिर उनको क्या करना है और आगे जिनका एग्जाम है 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख को, वो क्या करेंगे, हर एक बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उन बच्चों का री एग्जाम होगा, उनको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम कैंसिल नहीं, इसको पोस्ट कह सकते हैं, कैंसिल हुआ है तो आपको रीडेट दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर नेम भी फिर से मिलेगा कहाँ पे होगा और सेंटर नाम इस बार अवेलेबल कराने की कोशिश कराई जाएगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड के आपको री डाउनलोड करना है। देखिए, किस बच्चे को री डाउनलोड करना है, जिसका भी 4, 5, 6 तारीख को जो था एग्ज़ाम, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो बस वही एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट फर्दर में है, जैसे कि 8 तारीख को 9 तारीख को 10 तारीख को, उनको अपना एडमिट कार्ड री डाउनलोड करना है, क्योंकि हो सके उनका एग्ज़ाम का डेट भी शायद एक्सटेंड हुआ हो या फिर सेंटर का नाम चेंज हुआ हो, क्योंकि कुछ बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जितना भी डेट को एग्ज़ाम है, जैसे आपके 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप एक दिन पहले कम से कम एडमिट कार्ड को जरूर अपडेटेड एडमिट कार्ड को वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, ताकि आपको कंफर्मेशन एग्जाम में मतलब मिल जाए। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, हर चीजें मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है NTA के वेबसाइट से, CUET के वेबसाइट से, वो दिखाता हूं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, शांति से CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देखिए, हम लोग चलते हैं CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे एक नोटिस दिख रहा होगा, पोस्टमोनमेंट ऑफ CUET UG 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 6 अगस्त 2022 एट 53 सेंटर्स, जहाँ पे सक्सेसफुली पेपर सबमिट हो गया है। जिस बच्चे को मेरे साथ जो स्टूडेंट थे जो गए थे एग्ज़ाम देने, उनका पेपर हुआ लेकिन सबमिशन नहीं हुआ, इस कारण से उनका कैंसिल हो गया। लेकिन कुछ बच्चों का सबमिशन हो गया अलग अलग सेंटर्स पे, तो उनका हो गया पेपर, उनका फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन जिनका सबमिशन में प्रॉब्लम हुआ, फाइनली एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो टेक्निकल एरर के कारण, तो उनको टेंशन नहीं लेना है, उस बच्चे को फिर से एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, तो इसी नोटिस में, चलिए हम लोग इस नोटिस को चेक करते हैं आखिर ये नोटिस में है क्या। ठीक है, सबसे पहले इस नोटिस में जाएंगे तो हमारे पास एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। ये है 5 अगस्त का नोटिस, ठीक है, कल की नोटिस है। फिर 6 अगस्त के रिगार्डिंग के बारे में भी बता दिया गया था कि ये जो 6 अगस्त को एग्जामिनेशन है वो कैंसिल की जा चुकी है। जैसे क्या क्या है, देखिए हम लोग बात करते हैं। नीचे की ओर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो पोस्टपोन एग्जाम विल बी हेल्ड बिटवीन 12 से 14 अगस्त 2022। मतलब जिसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ 4, 5, 6 तारीख वाले को, उनका क्या होगा 12 से 14 तारीख के बीच में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है। एंड सेम एडमिट कार्ड सेल बी वैलिड, बोला था ना मैंने, जिनका एग्जाम हो चुका है यानी उनका पोस्टपोन हुआ है, उनको कोई एडमिट कार्ड दूसरा डाउनलोड नहीं करना है, वही एडमिट कार्ड रहेगा उनका। और वो क्या कहते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और उनका डेट फिर से, क्योंकि एग्जाम का डेट चेंज होगा तो आपको डेट कैसे पता चलेगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको भी एडमिट कार्ड री डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब बात क्या है, अब बात है कि आप एडमिट कार्ड अपना री डाउनलोड करोगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड री डाउनलोड करने का होता है, जब आप बैक जाएंगे तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे एकदम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। जब आप पूरा नीचे चले जाएंगे तो आपको एक दिखेगा लॉग इन करने का ऑप्शन, तो इस लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, इस लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर रहेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटेल्स मांगना शुरू कर देगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन।
और यहाँ पे कैप्चा डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालोगे फिर यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड करोगे तो आपका डाउनलोड फाइनली एडमिट कार्ड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, देन आप एग्ज़ाम दे लोगे। और आपको टेंशन नहीं लेना है, जिस बच्चे का एग्ज़ाम लगातार पोस्टपोन्ड हो गया 4, 5, 6, तो इस कारण से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम आगे की ओर होगा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सेंटर्स काफ़ी दूर दूर भी बहुत सारे बच्चों के थे और वो इतने 100-100 किलोमीटर तक गए थे एग्ज़ाम देने और फाइनली उन्हें पता चला कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर NTA का थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ है, थोड़ा सा क्या कहेंगे, पूरा गड़बड़ है। वो पहले से जब इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम, क्योंकि इंडिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसी एग्जाम का है, क्योंकि पहली बार इस टाइप के एग्जाम को इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटी को एक में इकट्ठा करके एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश की गई, तो वही जाहिर सी बात है कि यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और फर्स्ट टाइम है, तो आप पे एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ हो रहा है, तो आपका कंपटीशन में ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइंस वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको साइंस से जैसे बैचलर इन फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिस कारण से कट ऑफ जो है वो ही रहेगा। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है, और जो भी होता है इस चैनल पर आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और जो यूपी पॉलिटेक्निक है उसका काउंसलिंग का अपडेट अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं आया है, लेकिन हाँ आशा जताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है मैं काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, जिससे कि आपको कॉलेज खराब रैंक होने के बावजूद भी मिल जाए। खराब रैंक कहने का अर्थ है कि 50,000 रैंक रहेगा ग्रुप ई में तो नहीं मिलेगा भैया, 1,000-1,500 तक के अंदर में रहेगा। तो आपको मैं स्ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप कॉलेज चूज करोगे, जो कि कम से कम एडेड कॉलेज तो आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मिले हैं, कुछ बच्चों को मिल जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि जिनका भी अंडर 1,000 रैंक है, कन्फर्म है कि अंडर 1,000 रैंक अगर है तो कॉलेज मिलने की आशंका है, कंफर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन मिलने की आशंका है, तो आप एक बार 250 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरे कहने पर 250 रुपये काउंसलिंग का चार्ज लगता है, आप काउंसलिंग करा लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और मैं आपको एक सीरीज ला रहा हूँ इस चैनल पे, जिसमें कि मैं कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ। जो बच्चे, सारे बच्चे तो गवर्नमेंट में नाम हो नहीं जाएगा उनका, कुछ बच्चे प्राइवेट में जाएंगे, और प्राइवेट में भी मेरा जो बच्चा जाएगा उसको गलत कॉलेज नहीं भेजना है। मेरा यही एम है कि कोई गलत कॉलेज ना जाए। तो क्या क्या आपको कॉलेज में चेक करना है, हर चीज़ का एक सीरीज आएगा, कैसे आप बेस्ट कॉलेज चुनेंगे, कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या सिलेबस है डी फार्म फर्स्ट ईयर का, ये वो लनफन, हर एक चीज़ें आपको आते रहेगी कुछ दिन तक। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग वगैरह हो जाता है, देन हम लोग 2023 के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।